नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका वगली लाइव यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और इज वेरी डिफिकल्ट। कार्डियक कैथेटराइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो आज मैं कंपेरेटिवली थोड़ा डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि कार्डियक कैथेटराइजेशन और एक सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। डिटेल में तो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले भी हम एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं जो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन पर पढ़ाया था, और आज हम पढ़ाएंगे मेनली स्पेशली कार्डियक कैथेटराइजेशन, और दूसरा उसी के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे दोस्तों सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई? तो दोनों ही टाइप के कैथेटराइजेशन को हम क्लियर करके और पढ़ेंगे। एक बार क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए जानते हैं। फिर सबसे पहली बात तो, यदि अगर इस तरह का इमेज अभी कभी आपको एग्जाम के अंदर मिलता है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किस टाइप का कैथेटराइजेशन है? तो देखिए, यहाँ बेसिलिक वेन से होते हुए कैथेटर जो है, दोनों में डिफरेंस करूंगा सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन में और कार्डियक कैथेटराइजेशन की इमेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि यदि अगर हमारे पास दो तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक में सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन हो रहा हो और एक में कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा हो, तो दोनों को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, दोनों ही टाइप के कैथेटराइजेशन में इंसर्शन साइट्स जो होती हैं, कैथेटर इंसर्शन साइट्स, वो सिमिलर भी हो सकती है, राइट? बट ध्यान दीजिएगा, कैथेटर यदि अगर बेसिलिक वेन से इंसर्ट होकर के, देखिए यहां से कैथेटर इंसर्शन होकर के और हार्ट के चैम्बर्स को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी तक जा रहा है, इट मींस कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हार्ट के चैम्बर्स तक पहुंचा हुआ है। तो यदि अगर कोई भी कैथेटर ऐसा इमेज आपको दिखा रखा हो जिसमें कैथेटर पेरिफेरल वेन में से इंसर्ट करके और हार्ट के चैम्बर्स तक जा रहा हो, पेरिफेरल वेसल्स में से इंसर्ट होकर के हार्ट के चैम्बर्स तक पास हो रहा हो, तो ऐसे कैथेटराइजेशन को हम कहेंगे दोस्तों कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या बोलेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन। जबकि यदि अगर ये कैथेटर ओनली पेरिफेरल वेसल्स में से इंसर्ट करके और हार्ट से पहले आने वाली जुगलर या सबक्लेवियन वेन तक ही होता, इट मींस ये कैथेटर यदि अगर आपको ऐसा दिखता जो हार्ट तक ना पहुंच करके केवल सेंट्रल वेन्स तक ही रह जाता, तो ये कैथेटर यहां तक होता ओनली, कि जुगलर वेन तक होता, इंटरनल जुगलर तक ही होता, या फिर सबक्लेवियन वेन तक ही होता, तो इस कैथेटर को हम केवल सेंट्रल वीनस कैथेटर कहते हैं। तो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन ओनली वेन्स में, वेन्स तक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन में कैथेटर हार्ट तक इंसर्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो दोनों के अंदर कैथेटर को इमेज के अंदर देख करके कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इन्हीं दोनों टाइप के जो कैथेटराइजेशन हैं, इनके वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन का पर्पस ओनली सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करना होता है, जबकि कार्डियक कैथेटराइजेशन का पर्पस होता है हार्ट की एनाटॉमी को आइडेंटिफाई करना, हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट के चैम्बर्स के अंदर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, एंजियोग्राफी करना। ये सब पर्पस होते हैं दोस्तों कार्डियक कैथेटराइजेशन के। अच्छा, तो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन और कार्डियक कैथेटराइजेशन आर द डिफरेंट थिंग्स। अब जो कार्डियक कैथेटराइजेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, कार्डियक कैथेटराइजेशन दोनों तरह से किया जा सकता है। इट मींस
दोनों चैम्बर्स में हो सकता है, राइट चैम्बर का भी हो सकता है और लेफ्ट चैम्बर का भी हो सकता है। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। देखिए दोस्तों, ये है हार्ट का राइट साइड और ये है हार्ट का लेफ्ट साइड, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, देखिएगा। बेसिलिक से इंसर्ट करके और ये देखिएगा, सेंट्रल वेंस में से होते हुए कैथेटर हार्ट तक पहुंचा हुआ है। ये हार्ट का लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से होते हुए वेंट्रिकल्स में से पास होकर के और देखिए पल्मोनरी आर्टरी तक कैथेटर इंसर्ट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन इज द कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब हम यहां पर थोड़ी बात करते हैं दोस्तों, देखना कि जब कार्डियक कैथेटराइजेशन की बात करेंगे तो दोनों प्रकार से कैथेटराइजेशन हो सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी। तो राइट कैथेटराइजेशन यदि अगर किया जाएगा तो हार्ट के लिए एक्सेस मैं आपको बताने वाला हूं कि राइट कैथेटराइजेशन में हम राइट साइड को देखेंगे तो ये है इंफीरियर वेना कैवा और ये है सुपीरियर वेना कैवा। अंडरस्टैंड गाइस, तो यदि अगर हार्ट के राइट साइड में कोई भी कैथेटर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंफीरियर वेना कैवा या सुपीरियर वेना कैवा, इट मींस वेन में से होकर के कैथेटर इंसर्ट करना होगा। अंडरस्टैंड, बट लेफ्ट साइड में जब हम हार्ट को देखते हैं तो ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी हैं और ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो लंग्स से ब्लड को लेकर हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में आती है और ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहां पर आने के लिए हमें देखना है आने के लिए रास्ता। तो यदि राइट साइड में आना है तो वेन से होते हुए हम आ सकते हैं, लेकिन राइट साइड में यदि अगर आना है तो फिर वेन से आने जैसा कोई रास्ता राइट साइड में लेफ्ट साइड में नहीं है। तो लेफ्ट साइड के हार्ट में यदि अगर हमें आना है तो फिर हमें किसका सहारा लेना होगा, एवोर्टा का सहारा लेना होगा दोस्तों। यानी एवोर्टा के माध्यम से ही हम हार्ट के लेफ्ट साइड में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, हार्ट के राइट साइड में कैथेटर इंसर्शन साइट्स का जो आंसर होगा वो वेन्स होगा और लेफ्ट साइड में कैथेटर इंसर्शन साइट्स का जो आंसर होगा वो आर्टरी होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन एक इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है इन विच वन और मोर कैथेटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हार्ट एंड सिलेक्टेड ब्लड वेसल टू मेजर एंड टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द वेरियस हार्ट चैम्बर्स। द प्रोसीजर इज कैरिड आउट इन कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब। दोस्तों, प्रोसीजर कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में ही किया जा सकता है। आइए जानते हैं, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के पर्पसेस क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे लिए समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्या पर्पस हो सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के पीछे, क्योंकि पर्पस से ही आप जवाब दोगे। जब कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो दो ही बातें मेनली पूछता है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों किया जाता है, तो उस क्यों का जवाब हमें मिलेगा पर्पस जानकर। दूसरा सवाल हमसे पूछा जाएगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन
कौन सी साइड से होकर के इंसर्ट किया जाता है, तो उसका जवाब भी बड़ा ही मजेदार होगा। तो ये दोनों ही सवालों के जवाब यदि अगर हम सीख गए तो हमें कैथेटराइजेशन का काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ता हूं कि क्या क्या पर्पस से हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। सबसे पहले टू असेस द पेटेंसी ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज। दोस्तों कॉरोनरी आर्टरीज का फ्लो पेटेंसी जानने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा टू डिसाइड एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। दोस्तों हार्ट अटैक के बाद या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद या इश्केमिक हार्ट डिसऑर्डर्स के बाद हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगा। क्या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कॉरोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, क्या इसे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास करना होगा इफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रेजेंट। तो सिंपली गाइस वी नो दैट कार्डियक कैथेटराइजेशन के माध्यम से ही हम पीटीसीए करेंगे और कैब्स करेंगे। तो कैब्स और पीटीसीए दे आर द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद की अगर कोई प्रोसीजर होते हैं तो वो हो सकता है पीटीसीए और वो हो सकता है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास। टू मेजर द प्रेशर इन वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। साथियों यदि अगर हमसे ये कहा जाए कि हार्ट के चैम्बर्स में प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा कैथेटराइजेशन करना होगा, तो आंसर देना है आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन, नॉट द सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। अश्टिन, तो वी नीड टू डू द कार्डियक कैथेटराइजेशन टू मेजर द प्रेशर इन वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। आई होप समझ गए बात को। बोलो भाई बात समझ गए ना, क्लियर। देन टू ऑब्टेन ब्लड सैंपल फॉर मेजरमेंट ऑफ द हेमेटोक्रिट और ऑक्सीजन सेचुरेशन। साथियों कार्डियक कैथेटराइजेशन से डायरेक्ट हार्ट के अंदर ब्लड का जो ब्लड है उस ब्लड का सैंपलिंग भी किया जा सकता है। टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज एंड टू डिटरमाइन द एक्सटेंड टू विच द डिजीज हैज अफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। सदियों हम कह रहे हैं कि टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज। जब हमारे पास कोई कार्डियक डिजीज वाला क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट का ईसीजी लेते हैं और ईसीजी के आधार पर हम उसको एक टेंटेटिव डायग्नोसिस डिक्लेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सेकेंड थिंग, पेशेंट आईपीडी में एडमिट हो जाता है, फिर हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे और कार्डियक एंजाइम्स का लेवल चेक करवाते हैं। कार्डियक एंजाइम्स भी यदि अगर एलिवेटेड आ रहे हैं तो कार्डियक एंजाइम्स के आधार पर हमें डायग्नोसिस करने में काफी मदद मिल गई है। अब हमारे पास टू थिंग्स हो चुके हैं जिनके बेसिस पर हम पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे। वन थिंग इज दैट ईसीजी इन योर हैंड ऑफ द पेशेंट। सेकेंड थिंग इज दैट द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द कार्डियक एंजाइम्स, लिपिड प्रोफाइल, तो ऑल ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट इज ऑल्सो इन आवर हैंड। तो हमारे हाथ में अब दो बातें, दो चीजें आ चुकी है, एक तो पेशेंट का ईसीजी है और एक उसका लेबोरेटरी रिपोर्ट है। इन दोनों के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन दोनों के आधार पर जो डायग्नोसिस बनाया जाता है और जिसके आधार पर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, दोस्तों उसको आप कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ इसको यही प्रॉब्लम है। देन आगे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा एंजियोग्राफी करने का, और एंजियोग्राफी करने के लिए हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ता है। तो सिंपली गाइस वी अंडरस्टैंड दैट टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए भी कार्डियक कैथेटराइजेशन करना होता है। अनिल गुर्जर।
लव यू अनिल, थैंक यू। टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज एंड टू डिटरमाइन द एक्सटेंड टू विच द हार्ट डिजीज हैज अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। और हमें ये भी इससे डिटेक्ट करना होता है कि हार्ट डिजीज की वजह से हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस लेवल तक अफेक्ट हो चुके हैं। अस्टीन, देन नेक्स्ट पर्पस क्या होता है साथियों कार्डियक कैथेटराइजेशन का? तो टू ऑब्टेन द क्लियर पिक्चर ऑफ द कार्डियक एनाटॉमी प्रायर टू द हार्ट सर्जरी। कोई भी हार्ट सर्जरी से पहले इट इज नेसेसरी टू नो द क्लियर पिक्चर ऑफ कार्डियक एनाटॉमी। दोस्तों कोई भी हार्ट सर्जरी से पहले हमें कार्डियक एनाटॉमी को जानना होगा। और कार्डियक एनाटॉमी को केवल मात्र किससे देखा जा सकता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा। साथियों टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट, इसी कार्डियक कैथेटराइजेशन पर्पस को कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन करने के पर्पस से भी यूज किया जा सकता है। टू ऑब्टेन द एंडोकार्डियल बायोप्सीज। साथियों हार्ट के अंदर से यदि अगर आपको एंडोकार्डियल बायोप्सी लेना है तो वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन द एंडोकार्डियल बायोप्सीज बाय यूजिंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन। टू अलाउ द इन्फ्यूजन ऑफ द फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स डायरेक्टली इनटू द ऑक्लूटेड कॉरोनरी आर्टरी टू रिस्टोर द कॉरोनरी फ्लो। साथियों यदि अगर कॉरोनरी आर्टरी ऑक्लूशन हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी, और सीएडी के केस में कॉरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाते हैं और इस वजह से कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, ऑक्लूड हो जाता है। दोस्तों इस कॉरोनरी आर्टरी में जो ऑक्लूशन है, इस ऑक्लूशन को फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। और फाइब्रिनोलाइटिक मेडिकेशन इफ वी डायरेक्टली एडमिनिस्टर इन टू द कॉरोनरी आर्टरी देन दैट द मोर पॉसिबिलिटी टू डिसॉल्व दिस क्लॉट इन द कॉरोनरी आर्टरी। और कॉरोनरी आर्टरी में इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए डायरेक्टली फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन टू द कंसर्न्ड कॉरोनरी आर्टरी। तो कंसर्न्ड कॉरोनरी आर्टरी के अंदर फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स को एडमिनिस्टर करने के पर्पज से भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन टू डिटेक्ट द शंट। दोस्तों यदि अगर हार्ट में आपने शंट अप्लाई किया है, इसे डिटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। नाउ अब जानते हैं कि कॉरोनरी आर्टरी कैथेटर कार्डियक कैथेटराइजेशन दो टाइप से किए जाते हैं, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन और लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन। आइए वन बाय वन करके जानते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन दो प्रकार से किया जा सकता है, लेफ्ट हार्ट में और राइट हार्ट में। तो आइए जानते हैं राइट हार्ट कैथेटराइजेशन कैसे होगा, लेफ्ट कैसे होगा। चलिएगा, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन पासिंग अ रेडियो ओपेक कैथेटर थ्रू इंटरनल जुगलर, क्या बोला, इंटरनल जुगलर, सबक्लेवियन या फेमोरल वेन। जैसा कि हमने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था दोस्तों, दिस इज ह्यूमन हार्ट और दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज राइट साइड ऑफ हार्ट, दीज आर फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इट इज राइट एट्रिया एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। यदि राइट साइड से आपको हार्ट में आना है तो फिर आपको या तो वेना केवा से होकर आना होगा या वेना केवा की ब्रांचेस से होकर के वेना केवा के थ्रू आना होगा। तो यहां हम जानते हैं दोस्तों इंटरनल जुगलर वेन होगी, सबक्लेवियन वेन होगी और फिर फेमोरल वेन होगी जो इन्फीरियर वेना केवा से होते हुए हमें हार्ट के राइट साइड में लेकर आएगा। तो राइट साइड से होते हुए चलो 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 चले तो राइट साइड से होते हुए यदि अगर हार्ट में आए, हार्ट की राइट साइड में आना है तो फिर रास्ता कौन सा चूज करेंगे? वेन वाला रास्ता। अब वेन वाला रास्ता तो कौन सी वेन? या तो फिमोरल वेन या इंटरनल जुगलर वेन और या फिर सबक्लेवियन वेन से होते हुए हार्ट के राइट साइड में आ जाएंगे।
बोलो भाई, समझ गए ना बात? अरे भाई बोलो, इनटू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। अब बात आती है कि यहाँ आ तो गए आप, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो? तो यहाँ पर चलो फेमोरल से आते हैं। फेमोरल से आ गए राइट एट्रिया में, आ गए देखो राइट वेंट्रिकल में भी आ सकते हैं। चलो आगे, यहां से एक आर्टरी ओरिजिन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। हम राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में भी घुस सकते हैं, क्लियर? तो यहां से होते हुए इस कैथेटर को पल्मोनरी आर्टरी में भी पास किया जा सकता है। तो यदि साथियों मैं कहूं आपसे कि आपको राइट एट्रियम ऑब्जर्व करना है, या मैं आपसे क्वेश्चन बनाऊं बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू एक्सेस द पल्मोनरी आर्टरी देन विच साइडेड कैथेटर विल बी प्रेफर्ड, कौन से टाइप के कैथेटराइजेशन के द्वारा हम पल्मोनरी आर्टरी को एक्सेस कर सकते हैं? तो दोस्तों याद रखना, राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी को एक्सेस किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्स एग्जामिनेशंस। जब भी फ्यूचर में आप परीक्षाएं दोगे तो उनमें अक्सर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, यूज की बात करते हैं तो राइट साइडेड कैथेटराइजेशन किस पर्पस से किया जाता है, क्या यूज होता है? राइट हार्ट कैथेटराइजेशन इज अ टेस्ट यूज टू सी हाउ वेल योअर हार्ट इज पंपिंग, हाउ मच इट पंप्स पर मिनट, एंड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन योअर हार्ट एंड द मेन ब्लड वेसल इन योअर लंग। द टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। हमने बोला विच टाइप ऑफ द कैथेटराइजेशन ऑल्सो नॉन एज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। दोस्तों कौन से कैथेटराइजेशन को पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी कहते हैं? तो साथियों याद रखना कि राइट साइडेड कैथेटराइजेशन को, राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन को पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो इसे बोलते हो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। आपको इमेज शो करते हैं, तो ये जो इमेज आप देख रहे होंगे ये इमेज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन या राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, कैथेटर इंसर्ट होकर के बेसिलिक जुगलर से होते हुए और राइट साइड में आकर पल्मोनरी आर्टरी तक इंसर्ट किया गया है, और दैट इमेज इज शोविंग द, इसी को एग्जाम में दो प्रकार से कहा जा सकता है। पहला, इसको कार्डियक कैथेटराइजेशन बोला जा सकता है। इसी क्वेश्चन को राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन कहा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन बोला जा सकता है। तो साथियों इन फ्यूचर आपसे इस प्रश्न को तीन टाइप से पूछा जाएगा, डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर की थिंकिंग पर कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे इस प्रश्न को पूछना चाहता है। तो एग्जामिनर तीन प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कभी कभार वो कह सकता है केवल कार्डियक कैथेटराइजेशन इस इमेज को शो करके, ये आपसे कह सकता है राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, या फिर आपसे कह सकता है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी आर्टरियल कैथेटराइजेशन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। ओके गाइस, अंस्टीन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द कार्डियक कैथेटराइजेशन, दूसरे प्रकार का कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है दोस्तों लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन। इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर थ्रू दी ब्रेकियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी टू द एवोर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि अभी हमने थोड़ी ही देर पहले बताया
कि हार्ट की लेफ्ट साइड में यदि आना है तो देखो वेन वाला रास्ता नहीं होता है और इसलिए लेफ्ट साइड में आने के लिए हमें आर्टरी से ही आना पड़ता है। तो हम आर्टरी से यदि आएंगे तो या तो ब्रेकियल आर्टरी से होकर आ सकते हैं या फिर फिमोरल आर्टरी से होकर के आ सकते हैं। तो साथियों यदि अगर लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन करना होगा तो फिर आपको मजबूरी में आर्टरी से ही अपोजिट डायरेक्शन में कैथेटर पास करना पड़ेगा। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में कैथेटर पास करोगे तो ये जो आर्टरीज जिस भी बॉडी के लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई कर रहा था लोअर लिम्स का ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, लोअर लिम्स ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड। और डिक्रीज हो जाने की वजह से दोस्तों जब कभी भी लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाए तो लोअर लिम्स के सेंसेशन फंक्शनलिटी को भी असेस करना होगा। क्यों? बिकॉज लोअर लिम्स का ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए डिक्रीज हो गया है और इस वजह से लोअर लिम्स में इस्केमिक पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, नमनेस हो सकता है। तो वी नीड टू असेस द लोअर एक्सट्रीमिटी फॉर द नमनेस एंड टिंगलिंग। अंडरस्टैंड गाइस? तो यदि अगर हमें लेफ्ट साइड में कैथेटराइजेशन करना होगा तो फिर हम आर्टरी से होकर कैथेटराइजेशन करेंगे। राइट साइड में हम कैथेटराइजेशन करेंगे तो वेन से होते हुए कैथेटराइजेशन करेंगे। तो साथियों दोनों ही प्रकार के कैथेटराइजेशन के लिए अब आप ये मत पूछना कभी फ्यूचर में किसी से भी, शायद आई होप कि इस क्लास के बाद आपको जीवन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, राइट? अब ये मत पूछना कि कार्डियक कैथेटराइजेशन आर्टरी से होता है, कौन सी आर्टरी से होता है, कौन सी वेन से होता है, आर्टरी से होता है या वेन से होता है। तो दोस्तों क्लियर मैं कर चुका हूं आपके लिए कि यदि अगर राइट साइडेड कैथेटराइजेशन किया जाएगा तो वो वेन से होगा और सबक्लेवियन या इंटरनल जुगलर दे आर बेस्ट सजेस्टेड वेन्स फॉर द राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन। यदि लेफ्ट साइडेड कैथेटराइजेशन करना है तो फिर आर्टरी से होगा और ब्रेकियल और पल्मोनरी आर्टरी, ब्रेकियल और फिमोरल आर्टरी दे आर प्रेफर्ड फॉर द लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्लियर है? पेन का कलर चेंज करें। देखिए तो इट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों इसको लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन को परफॉर्म करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। ये तरीका तो आपको पता चल ही गया है, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, अंडरस्टैंड? बट इसका एक और तरीका है। वो क्या तरीका है दोस्तों? हम जो लेफ्ट साइडेड लेफ्ट हार्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं वो ट्रांस सेप्टली भी किया जा सकता है, ट्रांसेप्टली। तो ट्रांसेप्टली कैसे किया जा सकता है आइए जानते हैं कि कैथेटराइजेशन तो राइट साइड से ही होगा लेकिन जैसे ही राइट एट्रिया की बात हो तो यहां से लेफ्ट एट्रिया में कैथेटराइजेशन पास कर दिया जाए और या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर राइट वेंट्रिकल से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में कैथेटराइजेशन पास कर दिया जाए। तो इस प्रकार से यदि अगर इन्वेसिव कैथेटराइजेशन किया जाए साथियों तो इसको ट्रांससेप्टली भी किया जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांससेप्टल। क्या बोलेंगे? ट्रांससेप्टल। अंडरस्टैंड गाइस? तो इस प्रकार से कार्डियक कैथेटराइजेशन किए जाते हैं। दो प्रकार के कैथेटराइजेशन होते हैं। इंसर्शन कैथेटर इंसर्शन साइट्स में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कैथेटर इंसर्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज हैं दोस्तों। एफएक्यूज वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो कैथेटर इंसर्शन साइट फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो राइट कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जुगलर, इंटरनल जुगलर या सबक्लेवियन आंसर होगा और लेफ्ट के लिए फेमोरल या ब्रेकियल आर्टरी आंसर होगा। इधर वेन होगा, इधर आर्टरी होगा।
क्लियर है? काफी जोर देकर, काफी कंसंट्रेशन के साथ मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, रिपीटेशन के साथ सिखा रहा हूँ, एक बात को 2 से 3, 4 बार, 5 बार सिखा रहा हूं, ताकि आप इसको कभी ना भूल पाओ। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ता हूं। ये जो कैथेटराइजेशन आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, ये दूसरे प्रकार का, सेकेंड टाइप का IBQ क्वेश्चन होगा दोस्तों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये इमेज अगर आपको शो कर रखा है जिसमें देखिए कैथेटर इंसर्शन फेमोरल से हो रहा है और वेना कैवा से होते हुए हार्ट के लेफ्ट चैम्बर के अंदर कैथेटराइजेशन किया गया है, तो ये जो कैथेटराइजेशन है ये लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन है। लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन। अस्टेंड दोस्तों, तो दोनों ही इमेज को आइडेंटिफाई करना हमें सीखना है। राइट साइडेड में, राइट साइड से अगर कैथेटर दिखा रखा है इमेज में तो वो राइट साइडेड कैथेटराइजेशन है, लेकिन यदि अगर इस प्रकार का कैथेटराइजेशन दिखा रखा है दोस्तों, तो ये जो सेकेंड इमेज है, देखो एरो का डायरेक्शन इसके अंदर आप देख लीजिएगा, ये जो सेकेंड प्रकार का इमेज हमने शो किया है ये लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन का इमेज है। दोनों ही प्रकार के कार्डियक कैथेटराइजेशन के फोटो कंपैरेटिवली मैं बता चुका हूं, और लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन से भी इनको कंपेयर करके बता चुका हूं, तो वो भी सुन लेना जो लेट आए हैं क्लास के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स क्लास में लेट आए हैं वो एक बार क्लास पूरी होने पर फिर से लेक्चर को सुन लेना। तो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन में, पल्मोनरी कैथेटराइजेशन में और कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ये लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात किया है दोस्तों। ये जो अभी मैं टेक्निकल लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे डिफिकल्ट लेक्चर्स हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, और एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं प्रोसीजर से, इन्हीं लेक्चर्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अस्टेन गाइस, चलिए नाउ जस्ट आई एम मूविंग इन द नेक्स्ट पोर्शन। व्हाट आर्टिकल्स वी नीड्स, हमें किस आर्टिकल्स की जरूरत होगी इफ वी आर गोइंग टू जस्ट इंसर्ट द कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए दोस्तों कार्डियक मॉनिटर सेटअप होगा, प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस चाहिए, फ्लूरोस्कोप चाहिए, स्टेराइल रेडियो ओपेक कार्डियक कैथेटर चाहिए, रेडियो ओपेक डाई की आवश्यकता होगी, देन स्टेराइल लिनन फॉर ड्रैपिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन, स्टेराइल ग्लव्स, कार्डियक कैथेटर ऑन द पैक, कार्डियक कैथेटराइजेशन पैक, कट डाउन सेट और स्केलपेल ब्लेड, इमरजेंसी आर्टिकल्स, स्टेराइल गाउन, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और स्टेराइल सिरिंज एंड निडल्स। तो टोटल हमें 15 आर्टिकल्स का लिस्ट तैयार करके, और ये 15 आर्टिकल्स की आवश्यकता होगी यदि अगर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं किया जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, सबसे पहली कंडीशन है प्रेगनेंसी। क्या? प्रेगनेंसी। समझ में आ गई बात? प्रेगनेंसी के केस में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन क्रॉसिंग द ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। तो दोस्तों, प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में जो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन डाई यूज करेंगे, ये डाई मदर के ब्लड से प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस करके और फीटस के अंदर चली जाती है, और फीटस पे जा करके रेडियो एक्टिव साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए जस्ट वी अवॉइड द कार्डियक कैथेटराइजेशन इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट कंडीशन यू नीड टू आइडेंटिफाई इज दैट द प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग इज दैट दोस्तों, दूसरी बात करिएगा, कार्डियोमायोपैथी। यदि अगर हार्ट से रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो अवॉइड दिस प्रोसीजर। सीवियर डिसरिदमियास, अवॉइड दिस प्रोसीजर। अनकंट्रोल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, किसी क्लाइंट को यदि CHF है, अनकंजस्टिव, अनकंट्रोल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, तो अवॉइड दिस प्रोसीजर। पेशेंट एलर्जी टू द लोकल एनेस्थेसिया, यदि अगर एलर्जी है, अब एलर्जी किस किस से है, चाहे लोकल एनेस्थेसिया से एलर्जी हो
आयोडीन से हो या रेडियो ओपेक डाई से हो, इस प्रकार के केस में भी इस प्रोसीजर को अवॉइड किया जाएगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिन केसेस में हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। आइए जानते हैं प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से इस प्रोसीजर को किया जाएगा। असेस द पेशेंट्स नॉलेज ऑफ प्रोसीजर और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। असेस द वाइटल साइन इंक्लूडिंग द पेरिफेरल पल्स, हार्ट एंड लंग साउंड्स और बॉडी वेट। दोस्तों, वाइटल साइंस तो हमें असेस करना है, लेकिन वाइटल के साथ साथ ही इस क्लाइंट का पेरिफेरल पल्स चेक करना होगा, हार्ट साउंड चेक करना होगा, रेस्पिरेटरी साउंड्स चेक करना होगा और बॉडी वेट भी चेक करना होता है। तो साथियों, याद रखना कौन से बेसलाइन डाटा आप लोगों को असेस करना है। तो जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे तो कोई भी प्रोसीजर आप चाहे करने जा रहे हो, तो आपको प्रोसीजर से पहले हमेशा कुछ बेसलाइन डाटा असेस करना होता है, जिनको हम पोस्ट प्रोसीजर फेज में कंपैरेटिव करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए कंपेयर करते हैं। तो साथियों, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए बेसलाइन डाटा क्या क्या होगा? वाइटल साइन, पल्स प्रेशर, पेरिफेरल पल्स, हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी साउंड और बॉडी वेट। डिटरमाइन वेदर द राइट लेफ्ट हार्ट इज बीइंग स्टडीड। कंफर्म करें कि किस टाइप का कैथेटराइजेशन करना है, कौन सा हार्ट स्टडी करना है। असिस वेदर द पेशेंट हैज साइंड द कंसेंट फॉर्म। कंफर्म कर लीजिएगा कि पेशेंट ने रिटन कंसेंट साइन कर दिया है या नहीं किया है। अरे भाई बोलो, क्या हुआ भाई बब्बर शेरों, बात समझ में आ गई ना? बोलो यार, ठीक से पढ़ रहे हो? अधूरी क्लास देखने से और अधूरी क्लास अटेंड करने से आपके अंदर कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, इसलिए जो भी लेक्चर आप देखें पूरा पढ़ें। राहुल, शेर कहाँ दहाड़ रहा है भाई? ओ मेरे बब्बर शेरों, शाहरुख जिलानी, लव यू डियर, लव यू। विश्वेंद्र, मजा आ रहा है? अरे ममता, शाहरुख, स्टार, ग्रेट, थैंक यू। रणबीर सिंह, क्या डाउट आ गया यार? ये रणबीर का डाउट क्या आ गया, एक बार फिर से बता क्या डाउट है। सर, अब नाइट में क्लास नहीं होगी क्या? नाइट में आजकल मैं नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। एक लेक्चर ही तो तुम लोग संभाल लोगे, जो ही बहुत है। डबल लेक्चर इसलिए नहीं कर रहा हूँ रोज के, क्योंकि एक लेक्चर भी तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, इतना ही टाइम होता है तुम्हारे पास। क्योंकि पूरा लेक्चर पढ़ते हो, फिर उसको लिखते हो, लिख करके फिर उसका टेस्ट देते हो, फिर टेस्ट लिखते हो, फिर याद भी करते हो, तो ये सारा काम करना होता है आपको, इसलिए मैं एक ही ले रहा हूं, अभी दो नहीं ले रहा हूं। आज सुपर संडे क्या? आज संडे क्या? आज मुझे तो पता नहीं आज क्या है, संडे या मंडे पता ही नहीं चल रहा अभी आजकल। चलो, अब मैं क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम लोगों की बातों में बहुत टाइम खराब हो जाएगा, आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो, ध्यान देना आप, ठीक है? असेस द टाइम ऑफ द लास्ट इंजेस्टेड फ्लूड और फूड। हमें चेक करना होगा कि लास्ट टाइम इसने खाना कब खाया था या फ्लूड पानी कब पिया था। कंफर्म कर लो कि इसने लास्ट टाइम खाना कब खाया था या पानी कब पिया था,
क्यों करना होगा? पेशेंट शुड बी एनपीओ फॉर 6 to 8 आवर बिफोर द प्रोसीजर। तो दोस्तों याद रखना, कार्डियक कैथेटराइजेशन से कितने समय पहले हमें पेशेंट को एनपीओ करना होता है? तो 6 से 8 घंटे। क्यों करना होगा? प्रिवेंट द पॉसिबल एस्पिरेशन। सबसे पहली बात तो पेशेंट को एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको एनेस्थेसिया के द्वारा सेडेट किया हुआ है फॉर द प्रोसीजर। एक्सेसिव हाइड्रेशन, अगर ज्यादा पानी पी लिया तो कॉजेज द डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। यदि ज्यादा पानी पी लिया तो इससे क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो हमने यूज करा है वो काफी डाइल्यूट हो जाएगा और विच मेक द स्ट्रक्चर मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। और इसकी वजह से तो दोस्तों हमने कहा कि पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीओ करना पड़ेगा 6 से लेकर 8 घंटे से पहले, 6 to 8 आवर पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन के एनपीओ करा। क्यों करा साहब? अगर उसने पानी ज्यादा पी लिया तो एक तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम इंजेक्ट करेंगे वो काफी डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर एक्सरे में फ्लूरोस्कोपी में प्रॉपर इमेज नहीं आएगी, दूसरा विजुअलाइज नहीं होगा फ्लूरोस्कोप के अंदर। दूसरी बात हम करते हैं कि दोस्तों यदि अगर बहुत पानी पी रखा है या ओवर हाइड्रेटेड पेशेंट है तो क्या हो सकता है, सीडेशन करना होता है इस प्रोसीजर के लिए, और जब हम सीडेशन करेंगे तो इसकी वजह से हो सकता है फ्लूड एस्पायरेट कर जाए। तो एस्पायरेशन और डाइल्यूशन दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। असेस इफ द पेशेंट इज एलर्जिक। अब कंफर्म करें पेशेंट को कोई एलर्जिक तो नहीं है, किस किस से, आयोडीन से। इफ सो नोटिफाई द कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट। एन आयोडीन बेस्ड रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम में बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर, हाउ एवर हाइपो एलर्जिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज। देन असेस द ब्लड काउंट, और क्या टेस्ट करना होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इलेक्ट्रोलाइट, BUN, क्रेटिनिन लेवल प्रायर टू द प्रोसीजर। ये सब आपको टेस्ट करवाने होंगे दोस्तों। एबनॉर्मल फाइंडिंग माइट कॉन्ट्राइंडिकेट द प्रोसीजर सिंस हेमरेज और रीनल फेलियर में अकर्स। अस्टिन दोस्तों यदि हमें ये सब टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डाउट है कि कहीं इस पेशेंट को प्रोसीजर की वजह से, अगर इन सारे टेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो प्रोसीजर की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह डिस्टर्ब है तो इसको ब्लीडिंग की संभावना रहेगी, ब्लीडिंग हो सकती है, और या फिर BUN, क्रेटिनिन वगैरह नॉर्मल एबनॉर्मल आ रहे हैं तो हो सकता है प्रोसीजर की वजह से कि इसको रीनल फेलियर हो जाए, यानी एक्यूट रीनल फेलियर के चांसेस हैं। तो हमें इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए पहले ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले। अंडरस्टैंड, रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर फॉर द प्री प्रोसीजर मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन कौन सी देनी है ये कंफर्म कर ले फिजिशियन ऑर्डर देख के। जैसे एट्रोपिन दिया जा सकता है, लेकिन एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेट होता है किस केस में, ग्लूकोमा के क्लाइंट्स को। बेनाड्रिल, एंटीस्टामिन और सेडेटिव्स, इनमें से कौन सा मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है प्री प्रोसीजर, यू नीड टू कन्फर्म। Just decrease of the prevent bradycardia. Just decreases of the prevents bradycardia caused by the vagal stimulation and decrease or the secretions. Then prophylaxis agent allergic reaction to die, decrease the anxiety and promote the relaxation. सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, एट्रोपिन हमने क्यों दिया? एट्रोपिन का पर्पस क्या होगा? प्रिवेंट्स ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया क्यों हो सकता है? जब आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो तो वेगस स्टिमुलेट होगा, और वेगस स्टिमुलेट होता है तो वेगस क्या करता है, हार्ट रेट को घटा देता है, और वेगस स्टिमुलेट की वजह से ब्रेडिकार्डिया की संभावना होती है। तो ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंशन के लिए वी नीड टू एडमिनिस्टर द एट्रोपिन, और दूसरा एट्रोपिन का फंक्शन होता है ये सिक्रेशंस को भी कम करता है ताकि एस्पायरेशन ना हो। सेकंड, बेनाड्रिल एंटीहिस्टामिन क्यों दिया दोस्तों? डाई की वजह से हम जानते हैं कि डाई की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो हम पहले ही संभल के चले तो प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द एलर्जिक रिएक्शन वी एडमिनिस्टर द बेनाड्रिल। दोस्तों डिक्रीज द एंजाइटी और प्रमोशन रिलैक्सेशन टू वी एडमिनिस्टर द सेडेटिव्स। ऐसा तब करना है जब फिजिशियन ने आपको कहा हो। Mark the distal pulse, enable easy reference after the procedure, instruct the patient to empty the bladder, ensure that patient will be comfortable during the procedure, wash your hand, prepare the area as the surgical procedure
रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डॉन द मास्क, गोगल, स्टेराइल गाउन, केप, ग्लव्स, ड्रैप द पेशेंट विद स्टेराइल ड्रैप्स। कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर में आपको टोटल पीपी इक्विपमेंट्स पहनने होंगे, डॉन मास्क, गॉगल, स्टेराइल गाउन, कैप और ग्लव्स। प्रोटेक्ट नर्स फॉर द रिस्क ऑफ इंफेक्शन, मेंटेन सर्जिकल एसेप्सीज। असिस्ट इन द एनेस्थेटाइजिंग द स्किन, ओवरलाइनिंग द आर्टेरियल पंचर साइट, प्रोवाइड लोकल एनेस्थेसिया टू द एरियाज ऑफ द इंसिजन और पंचर साइट। असिस्ट इन परफॉर्मिंग needle puncture of the artery, inserting the guide wire through the needle and threading the angiographic catheter. Cardiologist advances the catheter to desired artery or cardiac chamber or inject the contrast medium. दोस्तों यहां पर एक वायर अंदर डाला जाएगा, उस वायर को हम क्या कहेंगे, गाइड। क्या कहा जाता है, गाइड वायर। इस गाइड वायर से होते हुए हम प्रोसीजर गाइड वायर इंसर्ट करेंगे। फिर हम सबसे पहले तो हमने क्या किया, निडल से साइड को पंचर किया आर्टरी को, फिर हमने गाइड वायर इंसर्ट किया थ्रू द निडल, निडल से होते हुए, एंड देन थ्रेडिंग द एंजियोग्राफिक कैथेटर, और फिर हमने एंजियोग्राफिक कैथेटर को इंसर्ट किया। तो देखना, निडल से पंचर किया, फिर आपने गाइड वायर इंसर्ट किया और गाइड वायर की मदद से आपने एंजियोग्राफिक कैथेटर को इंसर्ट कर दिया। कार्डियोलॉजिस्ट एडवांस द कैथेटर, अब कार्डियोलॉजिस्ट कैथेटर को आगे बढ़ाएंगे, कहां तक, टू डिजायर्ड आर्टरी, कार्डियक चैम्बर, और इंजेक्ट द कॉन्ट्रास्ट मीडियम, और फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट कर दिया जाएगा। परमिट द एक्सेस टू द आर्टरी एंड प्रिवेंट द कोइलिंग ऑफ द कैथेटर इन द आर्टरी, परमिट द रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एन्यूरिज्म, ऑक्लूशन और एनोमेलीज। दोस्तों एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट द विल एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ द हीट, फ्लशिंग ऑफ फेस, अ डिजायर टू द कफ ड्यूरिंग द डाई इंजेक्शन, और एक्सरे फिल्म विल बी टेकन रैपिडली एट द टाइम। साथियों याद रखना, जब डाई इंजेक्ट किया जाता है तो डाई की वजह से माउथ का जो टेस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, मेटोलिक जैसा टेस्ट हो जाता है, अस्टेन, और माउथ में हल्का सा हीट या वार्म टेस्ट फील होता है। तो फीलिंग ऑफ द हीट, फ्लशिंग ऑफ द फेस और डिजायर टू कफ, कफिंग भी आ सकता है ड्यूरिंग द डाई इंजेक्शन। तो साथियों याद रखना, इफ ड्यूरिंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन इफ द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग फॉर द फ्लशिंग ऑफ फेस, मेटोलिक टेस्ट, वार्म फ्लश फीलिंग्स इन द माउथ, तो देन व्हाई दे आर कंप्लेनिंग बाय द पेशेंट। तो आपको जवाब देना है कि सर दीज आर ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ डाई, these are due to the injection of dye. Physician withdraw the catheter after the entire procedure is over, apply the pressure to the puncture site for at least 10 to 20 minutes. अब आपसे कहा जाएगा दोस्तों प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो कैथेटर हम निकाल लेंगे, और कैथेटर निकालेंगे तो पंचर साइट पर आपको 10 से 20 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करना होता है, सुपरफिशियल प्रेशर। तो आपसे कहा जाएगा कि जस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन पंचर साइट पर कैथेटर विड्रॉ करने के बाद कितने समय तक प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, ओके, तो 10 से 20 मिनट के लिए। असेस द पंचर साइट फॉर हिमाटोमा फॉर्मेशन एट द साइट और इंक्रीज इन द पेन और टेंडरनेस, प्रेशर ऑन द पंचर साइट प्रमोट द क्लोटिंग और प्रिवेंट्स द ब्लीडिंग, अप्लाई द प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द पंचर साइट, मॉनिटर वाइटल साइन, एपिकल और पेरिफेरल पल्स, ऑस्कल्ट द हार्ट रेट, लंग्स रेट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन एवरी 15 मिनट। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हार्ट और लंग्स, हार्ट रेट और लंग्स को हर 15 मिनट में असेस करना होता है, फ्रीक्वेंसी टू असेस द हार्ट रेट और लंग्स अंटिल स्टेबल और कंपेयर विद द बेसलाइन वैल्यूज, असेस द पेशेंट फॉर पॉसिबल डिलेड रिएक्शन टू आयोडीन डाई लाइक द डिस्निया, हाइव्स, टैकिपनिया और रैसेस। यदि डाई की वजह से रिएक्शन हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, डिस्निया हो सकता है, हाइव्स हो सकता है, टैकिकार्डिया हो सकता है और रैशेज हो सकते हैं। यदि अगर प्रोसीजर के बाद ऐसा हुआ है तो इट इज एलर्जिक रिएक्शन टू द डाई।
देन असिस द पोस्ट प्रोसीजर लेबोरेटरी वैल्यू, जैसे कि ब्लड काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड काउंट एंड क्रिएटिनिन. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट. याद रखना प्रोसीजर के बाद कितने समय के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. तो 12 to 24 आवर एंड टू कीप अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी स्ट्रेट फॉर 12 आवर. अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी शुड बी कीप फॉर 12 आवर. दोस्तों जिस एक्सट्रीमिटी से होकर के अपर या लोअर कैथेटर इंसर्ट किया गया था उसको कम से कम 12 आवर तक स्ट्रेट रखना होगा. और दूसरी बात, पेशेंट को लगभग 24 आवर तक बेड रेस्ट पर रहना होगा. एनकरेज फ्लूड इनटेक. अब प्रोसीजर के बाद, प्रोसीजर से पहले तो 6 to 8 आवर से एनपीओ किया था, प्रोसीजर के बाद फ्लूड इनटेक को बढ़ाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी डाई बाहर बॉडी से इजेक्ट हो सके. रिकॉर्ड द टाइप ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन डन एंड पेशेंट टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर. For the type of dressing, amount and type of drainage, and presence of the pain or discomfort. Special points देखिए दोस्तों क्या क्या कहते हैं. Check for the symptom like the nausea, hypotension, bradycardia, etc., which indicate the vagal stimulation. साथियों यदि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को नोजिया होने लगे, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, तो ये सब वेगस स्टिमुलेट हो जाने की वजह से होते हैं. Evaluate for the sign and symptom of myocardial infarction, जैसे कि check the back pain, groin pain, which may indicate the retroperitoneal bleeding. दोस्तों यदि अगर हमने कहा है also check the back pain, यदि patient को back pain होने लगे या groin area में pain होने लगे, तो इनकी वजह से, इनकी इस तरह की findings, back pain या groin pain हो रहा है, तो they indicate the bleeding in the retroperitoneal area. या फिर we need to just client complain for the chest pain. तो patient को acute myocardial infarction हो सकता है. तो दोस्तों हमने कहा कि जब cardiac catheterization करेंगे और artery को हम block करेंगे, तो artery, जब artery से होकर catheter pass होगा, तो कुछ समय के लिए heart का perfusion भी decrease हो जाएगा. और perfusion decrease हो गया है तो coronary artery में blood परफ्यूजन रिड्यूस होने के कारण एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है. तो आफ्टर प्रोसीजर और ड्यूरिंग प्रोसीजर वी नीड टू असेस द पेशेंट फॉर द फर्स्ट वेगल स्टिमुलेशन. तो यदि अगर हम ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि नोजिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, बताओ ये क्यों हो रहा है, तो आप जवाब देना वेगल स्टिमुलेशन. यदि हम ये पूछेंगे कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे डिक्रीज्ड मायोकार्डियल परफ्यूजन. थर्ड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि पेशेंट को ग्रोइन पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग. क्लियर है साथियों? तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. लव यू माय डियर शेरों, बब्बर शेरों, शेरनियों. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन. तो ये था आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन. आई होप ईसीजी वाला जो टेस्ट था वो आप में से किस किस ने दिया है एक बार मुझे बता दीजिएगा. ईसीजी पर जो कल का लेक्चर हुआ था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जितने भी मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो उस टेस्ट के अंदर मैंने दे दिए हैं. जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेजर टेस्ट लेंगे इसका, और ईसीजी पर कल एक मेजर टेस्ट हुआ था जिसमें 50 मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो एम्स में अक्सर पूछे जाते हैं. और खुशी की बात है कि उन सब के रैशनल भी आपको दिए गए. अंडरस्टैंड, मोस्टली सारे क्वेश्चंस के रैशनल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो टेस्ट अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आप उस टेस्ट को आज वापिस से रीअटेम्प्ट कर लेना. दोस्तों कोई भी जो टेस्ट है आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, फिर वो वहां से रिमूव हो जाएगा. फिर आप मुझसे मत कहना कि सर वापस रीओपन करवा दो. रीओपन करवाना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है. इसलिए जब जिस समय जो आपको दिया जा रहा है उस समय आप उसको सदुपयोग कर लें, तब आप अपने लिए उसे यूज कर लें. क्योंकि बाद में फिर वो क्लोज हो जाएगा, डेट उसकी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, फिर आप मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर उसको रीओपन करवा दीजिएगा. तो जिस समय आपको दिया जा रहा है आपको उसी समय उसको यूज करना होता है. डिले नहीं करें,
अपने लिए अपनी तैयारी के लिए डेडिकेट रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, चलिए।